कोई भी लक्ष्य इंसानों को प्रयास से बड़ा नहीं है, हारा तो वही है जो इंसान कभी लड़ा नहीं है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र चौधरी, आयुर्वेदिक वैद्य, ट्रेनर, मोटिवेटर और लेक्चरर हूं। आज आप लोगों के समक्ष मैं एक ऐसी विषय वस्तु लेकर के आया हूं जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद आपकी सफलता की जो दूरी है वो नजदीक हो सकता है। यदि इससे पहले यदि मेरा चैनल वीरेंद्र चौधरी आयुर्वेदिक वैद्य को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर के जरूर सब्सक्राइब करें और सामने में दिखाया बेल घंटी को जरूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया जो भी वीडियो हो, चाहे वो एजुकेशनल वीडियो हो, चाहे वो मोटिवेशनल वीडियो हो, कोई भी वीडियो आपके समक्ष जल्द से जल्द पहुंच जाए। और आज का मेरा टॉपिक रहेगा एवरी सक्सेस स्टोरी इज ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ ग्रेट फेलियर। मतलब सफलता की हर कहानी महान असफलताओं की कहानी भी हो सकती है। असफलता सफलता हासिल करने का राजमार्ग है। IBM के टॉम वाटसन सीनियर का कहना था कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलताओं को दर को दुगुनी करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप असफलता को दर को दुगुनी नहीं करिएगा, चार गुना नहीं कीजिएगा, आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। अगर हम इतिहास पढ़ें तो पाएंगे कि सफलता की हर कहानी के पीछे महान असफलता भी जुड़ी होती है, लेकिन लोग असफलताओं पर ध्यान नहीं देता है, सफलता पाना चाहता है। यदि एक दो बार कोशिश करने के बाद असफल हो जाए तो अपने आप को कोसने लगते हैं कि हम नहीं सफल हो सकते हैं, मेरा किस्मत खराब है, मेरा किस्मत में लिखा नहीं है, इसलिए मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। उसका तो किस्मत अच्छा था, उसका तो सही वक्त था, सही जगह मिल गया और इसीलिए वो सफल हो गया, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है। एक आदमी की कहानी बड़ी मशहूर है, आप में से बहुतों ने सुना होगा। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकाम मिला, यानी कि व्यापार में असफलता मिला। 22 साल की उम्र में वह एक चुनाव लड़ा था, उसमें हार का सामना करना पड़ा। 24 साल की उम्र में उसे फिर व्यापार में सफलता मिला। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई। 27 साल की उम्र में इस समस्या को झेलते झेलते मानसिक असंतुलन को सामना करना पड़ा, क्योंकि मानसिक असंतुलन बिगड़ गई। 34 साल की उम्र में वो फिर कांग्रेस के चुनाव लड़ा और वहां भी उन्हें हार की सामना करना पड़ा। 45 साल की उम्र में उसे सीनेट के चुनाव को फिर हार का सामना करना पड़ा। 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने के लिए फिर असफल रहे। 49 साल की आयु में सीनेट का एक और चुनाव में नाकामयाबी, और वही आदमी 52 साल के उम्र में अमेरिका का सबसे पहल राष्ट्रपति बना। वह आदमी दूसरा कोई और नहीं, वह था अब्राहम लिंकन। क्या आप लिंकन को असफल मानेंगे? हम में से कोई और होते तो शर्म से सिर झुका के मैदान से हट जाते और कहते कि
अब हमसे नहीं हो। लेकिन लिंकन के लिए हार एक भटकाव थी, सफर का अंत नहीं। मुझे अब्राहम लिंकन की लगभग 31 साल की धैर्यता को देख करके दो बात कहने की लास्ट अंत में मन करता है कि कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है, कोई भी लक्ष्य इंसानों को प्रयास से बड़ा नहीं है। हारा तो वही है जो इंसान कभी लड़ा नहीं है या गिरा नहीं है। और दूसरी बात कि आज भी जमाना इसी बात से खलता है, आज भी जमाना इसी बात से खलता है, ये आदमी इतना ठोकर खा के भी सीधा कैसे चलता है। हस्त थैंक यू वेरी मच।